नमस्कार किसान साथियों, मैं नीरज कुमार मौर्य और यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से, और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट का यूट्यूब चैनल। जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इस वृक्ष जो आपके सामने दिख रहा है, ये कदम का वृक्ष है। लगभग हमारे सभी किसान भाई इस कदम के वृक्ष को बहुत ही आसानी से जानते होंगे, और इसके पौधे को आप बिल्कुल परख लेंगे कि ये कदम का ही वृक्ष है। इसमें छोटे छोटे फल लगे रहते हैं। मैं इससे जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, लाभकारी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस कदम से हमें क्या लाभ होगा, इस कदम के पौधे से क्या लाभ होता है, क्यों इसको हम इस वृक्ष को हम लगाते हैं, और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरे किसान भाई हैं, इस कदम के वृक्ष एक औषधि से भरा हुआ यह पौधा है, जो कि हमारे इतिहास में बहुत पौराणिक रूप से, जो कह लें कि आप बहुत पहले से ही आयुर्वेदा मतलब जो कहा जाता है कि यह हमारा जो देश है, ये आयुर्वेद के मामले में पूरे विश्व में सबसे पहले ही विख्यात है। इस कदम के आपको मैं फ़ायदे बताना चाहूँगा। जैसे जो इंसान का घाव, शरीर में घाव हो जाए, और बहुत पुराना से पुराना घाव, जो कि घाव सूख नहीं पाता है, जैसे मेवाद निकलने लगे और काफ़ी दवा कराने के बाद भी आपका घाव अगर नहीं सूख रहा है, तो इस पौधे की जो छाल है, इस वृक्ष में, इस पौधे में ये जो छाल है, इस छाल को आप निकाल लीजिए, और छाल को हल्के पानी में, थोड़े से पानी में रख कर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब पानी बहुत मामूली थोड़ी सी मात्रा में बचे, तो इसको आप बढ़िया से इसको खूब सूखे कपड़े में लगा के इसको गाड़ लीजिए, जिससे इसका जो रस होगा, उस रस को उस घाव पे लगाएंगे तो 100% आपका दवा छोड़ दीजिए, ये सबसे बढ़िया काम करता है। उसके बाद इसके जो पत्ते होते हैं, इस पत्ते से क्या फ़ायदा है, जैसे शरीर में घाव या फिर खाज खुजली जो होता है, इस खाज खुजली में सबसे बड़ा रामबाण है ये। इसके पत्ते को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद इसको किसी चीज़ में कूट लीजिए। कहने का मतलब, इसको किसी पत्थर या फिर घर में सील लोढ़ा हो या मिक्सर हो, उसमें खूब बढ़िया से इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको बाकायदे गार लीजिए। गारने के बाद जो इसका रस निकलता है, उस रस को उस त्वचा में जहाँ पे खाज खजली होती है, धीरे धीरे लगाइए, और उसके बाद आपको खुद ही इतना आराम मिल जाएगा कि दवा, जो भी अंग्रेजी दवा करते हैं, उसको छोड़कर सब हमेशा यूज करने लगेंगे। तो ये जो कदम का वृक्ष है, और एक चीज़ जिसका एक और इतिहास है, ये जो कदम का वृक्ष है, कहा जाता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी इसी कदम के नीचे बैठकर हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। इस कदम पे बैठकर हमेशा बांसुरी बजाया करते थे, यानी कहने का मतलब कि ये हमारा, यानी जो वृक्ष, कदम का वृक्ष है, सदियों से हमारे शरीर के लिए, हमारे भगवान प्रभु के लिए ये जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका फल मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें जो फल लगे हुए हैं, फल से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसमें आपको अगर आसानी से दिख रहा हो, इसके फल नहीं दिख पा रहे हैं, फल इसका है काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जो कि आपको बहुत ही फायदा होगा। जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वृक्ष से जो भी छाल या पत्ते का आप यूज करके देखिए, उसके बाद बताइए कि इस वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, वो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार किसान साथियों।